नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन लगभग देखा है तो 5% से 4.5% के आसपास आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, वहीं पर इस कंपनी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों इस कंपनी को 400 450 की प्राइस पर बाइंग किया होगा, जो कि इस कंपनी का हाई है 450। वहाँ पर हो सकता है कि अभी तक गिरावट देखने को बहुत सारे इन्वेस्टर फंस गए हो दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी में सबसे पहले गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, वो बैड न्यूज क्या है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट है दोस्तों। हालांकि ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी कोई भी कंपनी का, अगर एक कंपनी है दोस्तों मार्केट में ए, और अगर ये कंपनी मार्केट में लिस्ट है तो एक प्रकार से कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं पे सेकंड कंपनी आ जाती है दोस्तों मार्केट में, तो हो सकता है कि इसकी तेजी थोड़े से रुक सकते हैं और गिरावट भी हो सकती है। तो उसी टाइप का इस कंपनी में भी न्यूज़ देखने को मिल रहा है। अगर जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन स्टॉक में 4.5% के आसपास जो है गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा मतलब जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, न्यूज ही है, जिसको मैं आगे कवर करूंगा, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कुछ ट्रेडर इस कंपनी को मतलब जो है कि गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। हालांकि वो मेरा ओपिनियन रहेगा, मैं अपनी तरफ से रखूंगा, बाकी डिसीजन आपको ही लेना है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है और एक फ्लैट चलती है। उसके बाद आखिरी क्षण में देखा है तो मार्केट ही पूरा प्रेशर में रहता है, तो फिर भी ये भी कंपनी जो है कि प्रेशर में देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 5 दिन की बात करें, 5 दिन ये स्टॉक 6 से 7% डाउन हो गया है। 1 महीने की बात करें तो 16% के आसपास कंपनी आज भी रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों, जो रिटेस्टर फंसे हैं उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं भूल जा रहा हूं, लेकिन हाँ, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी 10% 10.5% के आसपास डाउन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों, वो बैड न्यूज क्या है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख भी सकते हैं दोस्तों, तो ये जेन टेक्नोलॉजी क्या करती है दोस्तों, तो ड्रोन से रिलेटेड जो है कि काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया से लार्जेस्ट ड्रोन मेकर कंपनी जो है कि दलाल स्ट्रीट पर जो है कि इनसाइड आइडिया फोर्ज की बात करें, तो ये कंपनी 570 करोड़ का जो कि आईपीओ लेके आ रही दोस्तों। तो इसका कंपटीटर कौन हुआ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आइडिया फोर्ज इंडिया से लार्जेस्ट ड्रोन मेकर कंपनी दोस्तों, प्लान टू रेस नियरली 770 करोड़ के आसपास जो है कि थ्रू इशू करेगी दोस्तों, मतलब जो कि आईपीओ के थ्रू आपको पता है जो कि फंड रेस होता है। हालांकि दोस्तों, वहीं पे कुछ मतलब यहाँ पे जो है कि डिवाइड होते हुए दिखेंगे, मतलब 240 करोड़ इसके थ्रू और 200 बचा हुआ जो रेस्ट ऑल बचा रहता है दोस्तों उसके थ्रू होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, एक चीज़ और नोट करना है कि ड्रोन मेकर वाली जो कंपनियाँ हैं दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये सारे जो है कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं दोस्तों। तो क्या जेन टेक्नोलॉजी क्या लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी? नहीं दोस्तों, आपसे बता दें, आज की डेट में देखेंगे तो उसका जो मार्केट कैप है लगभग मिड कैप टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पहले की बात करें दोस्तों, तो वो भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, और देखा है तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, जो कि इंडिया से लार्जेस्ट आपको जो कि ड्रोन मेकर कंपनी देखने को मिलेगी, जिसका आईपीओ की बात करें तो 26 जून को जो है कि अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डेट की बात करें 26 जून, तो हो सकता है दोस्तों कि वहाँ से कुछ पैसा निकाल के इस कंपनी में दोस्तों शिफ्ट हो सकता है। मतलब कि आपको पता है दोस्तों कि डाइवर्सिफाइड करने के लिए पोर्टफोलियो को, तो कुछ लोग ऐसा जो है कि मतलब कदम भी उठाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि लास्ट जो है कि बिडिंग प्राइस की बात करें तो मतलब जो कि 29 जून देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, सारा न्यूज़ आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए इसके थ्रू दोस्तों, तो आप यस लिखना, हम जो है कि कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉक इस टाइप का मतलब तेजी दिखाया था, इसमें जो है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्ट फंसे, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में उस टाइप की तेजी देखने को मिल रही थी, तो उसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हालांकि दोस्तों, देखा है तो अभी तक उस टाइप का प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं मिला उस कंपनी में, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन यही है। वहीं पर कंपनी की देखेंगे दोस्तों, तो 8 जून को जो है कि मतलब 453 रुपये का हाई लगाया था, लो की बात करते 166 रुपये के आसपास आप कर सकते हैं, जो कि 2022 का देखने को मिला है। सबसे पहला दोस्तों, इसमें जो पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक में गिरावट डाउन मतलब जो गिरावट है दोस्तों जारी हो रहा है, और अपने को जो है कि 50% 51% माल डिलीवरी में उठते हुए दिख रहा है। इसके पहले की अगर हम बात करेंगे तो इतना कुछ खास जो है कि आप कह सकते हैं कि माल नहीं उठता था। हमने न्यूज़ को देख लिया कि जो इस कंपनी के लिए मेरे पॉइंट से नेगेटिव बन के साबित हो रहा था, जो कि मेरा पॉइंट था। हालांकि आपको क्या लगता है, आप चाहे तो फिर से जो है कि मैं बोल रहा हूँ कमेंट कर सकते हैं। वही भी दोस्तों, सेकेंड जो है कि कुछ लोगों को लगता था कि इस टाइप का मतलब कंपनी रिटर्न बना के दिया है, कि आप देख भी सकते हैं कंपनी ने 52 वीक लो से लगभग 130% का रिटर्न बना के दिया, तो इसमें जो है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो कि ये भी ठीक आप कह सकते हैं।
हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे आप इस समय जो मेरा मानना है सेकंड कि ये भी कंपनी देखा है तो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो हालांकि अभी इस समय आप देख भी सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर वाले जितने भी स्टॉक है दोस्तों वो इस समय देखा है तो धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हालांकि मैंने मल्टीपल पॉइंट्स रखे हैं तो आप ऐसे में देख भी सकते हैं कि इस कंपनी में आज के दिन देखा जाए तो लगभग मिलियंस में टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की पहले की बात करें दोस्तों तो इस समय जो कि हमने देखा कि मतलब 50% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया, लेकिन इसके पहले की बात करेंगे तो लगभग देखा है तो वही 40% 34% 42% के आसपास आप कह सकते हैं। हालांकि तो वही पर अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ दिनों से अपने को ये स्टॉक प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 जून मतलब 5 जून को जो है कंपनी ने 5% का तेजी दिखाया। उसके बाद की बात करें जो कि कंपनी का एक नया हाई देखने को मिला था 8 जून को दोस्तों। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो कि उस समय कंपनी ने कितना लगभग 4 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए थे और 4% के स्टॉक में तेजी। और यहाँ पे देखेंगे तो मात्र 24% 25% माल डिलीवरी में उठाया गया था। हालांकि दोस्तों इस पॉइंट से देखा जाए तो मतलब मेरे पॉइंट से अभी कुछ स्टॉक में जो है कि पॉजिटिव भी देखने को मिल करना क्या। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेस्टर ने अभी टॉप पे बाइंग किया होगा, मतलब क्या है कि अभी किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा दोस्तों, तो सोच रहे होंगे कि हम फंस गए। हालांकि दोस्तों उसी में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम इस स्टॉक को बाइंग करें या ना करें। सबसे पहले अभी हम उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस कंपनी के एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में 120% 21% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों वही पर अगर हम 5 साल की करेंगे तो 5 साल में 300% का रिटर्न बना के दिया है। तो जो रिटेस्टर ने दोस्तों इस कंपनी को रिसेंट में बाइंग किया है तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आपने टॉप पे भी बाइंग किया है तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी की खासियत क्या है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा अपने को गिरावट देखने को नहीं मिलती। ये स्टॉक हो सकता है कि कंसोलिडेट भी कर सकता है। हालांकि तो यहां पे देख भी सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहां पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा आपको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर ऐसा नहीं दोस्तों, चलिए हम इसके एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो पहले की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टॉक पहले क्या है कि मतलब ये तो आप कह सकते हैं कोविड वाला पीरियड था दोस्तों, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियाँ गिरी थी। तो 80% के आसपास 80 से 90% ये भी कंपनी डाउन हो गई थी। हालांकि इसके पहले की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसके पहले आप देखेंगे तो लगभग वही जो है कि 40-50% के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी डाउन हुई थी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लेकिन रिसेंट के बाद कोविड की बात करें तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेट किया है, ना कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज किया है। हालांकि दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो इसमें अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं, जो न्यूज हमने बताया दोस्तों अगर वो सच साबित होता है, सच का मतलब क्या है तो वो तो IPO आ ही गया है, लेकिन हाँ इस कंपनी के लिए हो सकता है कि निगेटिव साबित हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये तो मतलब जो कि जेन टेक्नोलॉजी की बात करते ये तो ड्रोन से सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हालांकि दोस्तों देखिए ड्रोन से रिलेटेड काम करती है, यही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है ये स्टॉक हो सकता है कि 300 से 350 के आसपास ट्रेड कर सकता है, जो कि मेरा मानना है। हालांकि वही पर अगर हम तेजी की बात करें तो इस बार अगर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है तो स्टॉक मेरे पॉइंट से 500 के आसपास भी जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।